नमस्कार स्वागत है आपका लगातार बात हो रही है आज बजट जो पेश किया गया उसकी बारीकियां क्या है किसके लिए क्या कुछ है अर्थव्यवस्था किधर जाती हुई नजर आएगी किधर ले जाने की तैयारी है और किस वर्ग के हिस्से में क्या आया है ये सब कुछ हम लगातार आपको बता रहे हैं और समझा रहे हैं बजट को आसान शब्दों में अपने एक्सपर्ट के साथ और फिलहाल अभी हम अगले आधे घंटे में बताएंगे बजट की कुछ अहम खबरें उससे जुड़े हुए कुछ अहम बयान और साथ ही हमारे साथ कुछ देर बाद होंगे सुभाष चंद्र गर्ग साहब सचिव हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उनसे समझेंगे इस बजट की बारीकियां इसकी चुनौती और इसके एजेंडे को लेकिन शुरुआत है हेडलाइंस से अंतरिम बजट में किसानों कामगारों और नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ा तोहफा इनकम टैक्स में बड़ी छूट 5 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं 3 करोड़ करदाताओं को मिलेगा सीधा फायदा किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का ऐलान सीधे खाते में जाएंगे सालाना छह हजार रुपए बारह करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को होगा फायदा गायों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय कामधेनु योजना राष्ट्रीय गोकुल योजना के लिए सात सौ पचास करोड़ रुपए का आवंटन असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का ऐलान पंद्रह हजार कमाने वाले को मिलेगा योजना का लाभ साठ साल की उम्र के बाद तीन हजार की निश्चित मासिक पेंशन दस करोड़ मजदूरों को मिलेगा योजना का फायदा रक्षा बजट के लिए पहली बार तीन लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का आवंटन ओ के लिए पैंतीस हजार करोड़ रुपए अंतरिम बजट से रेलवे को एक लाख अट्ठावन हजार करोड़ रुपए दिए जाने का ऐलान बजट गरीब को शक्ति किसान को मजबूती और श्रमिकों को देगा सम्मान बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रक्रिया कहा सबका ध्यान रखने के साथ सभी वर्गों को राहत देने की, की गई है कोशिश केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा बजट से मध्य वर्ग को मिलेगी बड़ी राहत विपक्ष ने बताया चुनावी बजट 2019-20 के अंतरिम बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में 2019-20 का अंतरिम बजट पेश किया इसमें किसानों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला किया गया पहली बार किसानों के न्यूनतम सहायता राशि का ऐलान किया गया है इनकम टैक्स पर इस मोर्चे पर भी राहत दी गई है मध्य वर्ग को देश के इतिहास में आज तक इनकम टैक्स में इतनी बड़ी छूट नहीं मिली है साथ ही सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाते हुए क्षेत्र के कामगारों के लिए पेंशन योजना का ऐलान किया गया बजट में इस बात का भी ख्याल रखा गया कि वंचित लोगों को विकास की मुख्यधारा में लाया जाए उन्नीस बीस के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का तीन दशमलव चार फीसदी तय किया गया है और आगामी वर्ष के दौरान खर्च सुधार कर कर संग्रह को बढ़ाने का ध्यान रखा गया है इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि अर्थव्यवस्था राजकोषीय घाटे की राह पर बेहतर प्रदर्शन कर सके आगामी पांच वर्ष के दौरान एक लाख गांवों को डिजिटल बनाने का लक्ष्य है अंतरिम बजट ने 2030 में सरकार के दस सबसे महत्वपूर्ण आयामों को शामिल करते हुए अगले दशक के लिए वजन को रखा है अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत बेहतर मजबूती से विकास के ट्रैक पर वापस आया है देश तरक्की और संपन्नता के रास्ते पर चल पड़ा है साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने कमर तोड़ महंगाई की कमर तोड़ दी है वित्त मंत्री ने बताया कि भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है उन्होंने कहा कि सरकार के सुधार कदमों के बाद सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ हुई और सरकार ने राजकोषी घाटे पर लगाम लगाई और पिछले पांच साल में एफ में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई एनपीए को कम करने की कोशिश का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि इसमें काफी हद तक सरकार सफल हुई है रेरा के जरिए रियल एस्टेट सेक्टर में भी पारदर्शिता लाई गई है सरकार के बजट में सैलरीड क्लास पेंशन वालों के लिए और वरिष्ठ नागरिकों और छोटे व्यापारियों को तोहफा दिया गया है ढाई लाख रुपए की जगह पाँच लाख रुपए तक की आय टैक्स से छूट है इस टैक्स छूट का लाभ तीन करोड़ मध्यवर्गीय करदाताओं को मिलेगा दस लाख तक की आय वाले को बीस फीसदी टैक्स देना होगा और दस लाख से ज़्यादा आय वालों को तीस फीसदी टैक्स देना होगा लेकिन कुछ योजनाओं में निवेश कर टैक्स की अतिरिक्त छूट हासिल की जा सकती है जिन लोगों की कुल आमदनी साढ़े छः लाख रुपए तक है उन्हें भी किसी भी प्रकार के आयकर के भुगतान की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर वो भविष्य निधि बचत बीमा में निवेश करते हैं साथ ही दो लाख रुपए तक के आवास ऋण के ब्याज शिक्षा ऋण पर ब्याज राष्ट्रीय पेंशन योजना चिकित्सा बीमा या फिर वरिष्ठ नागरिकों के चिकित्सा पर होने वाले खर्च या कटौतियों के साथ उच्च आय वाले व्यक्तियों को भी कर नहीं देना होगा इसके अलावा पचास हजार रुपए तक के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा करदाताओं को मिलेगा बैंक या डाकघर में जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस सीमा को दस हजार से बढ़ाकर चालीस हजार रुपए करने का प्रस्ताव है जिसमें छोटे बचतकर्ताओं और गैर कामकाजी लोगों को फायदा होगा रेंटल इनकम पर टीडीएस सीमा एक लाख रुपए अस्सी हजार से बढ़ाकर दो लाख चालीस हजार करने का प्रस्ताव किया गया है साथ ही अब दूसरे मकान की अनुमानित किराए पर आयकर छूट का प्रस्ताव भी किया गया है अभी अगर किसी के पास एक से ज्यादा अपना घर है तो उसे अनुमानित किराए पर आयकर का भुगतान करना होता है फॉर द प्रेजेंट द एग्जिस्टिंग रेट्स ऑफ इनकम टैक्स विल कंटिन्यू फॉर एफआई 1920 नाइनटीन आई प्रपोज द फॉलोइंग चेंजेस individual taxpayers having taxable annual income up to rupees 5 lakhs will get full tax rebate और बजट में टैक्स को लेकर जो घोषणाएं की गई प्रधानमंत्री ने उसका स्वागत किया बढ़ते मिडिल क्लास की आशा आकांक्षाओं को कुछ कर दिखाने के जज्बे को हौसला मिले उसको सपोर्ट मिले इसके लिए सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है मैं देश के मिडिल क्लास सैलरीड मिडिल क्लास को इनकम टैक्स दरों में मिली छूट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं ये मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग की उदारता ही है उनकी ईमानदारी ही है कानून को मानकर चलने की उनकी प्रतिबद्धता ही है जिसकी वजह से देश को टैक्स मिलता है देश की योजनाएं बनती हैं गरीब का कल्याण होता है बरसों से ये मांग रही है कि पांच लाख रुपए तक की आय को इनकम टैक्स से मुक्त घोषित किया जाए इतने वर्षों से की जा रही इस मांग को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है अंतरिम बजट से किसानों की भी बड़ी उम्मीदें जुड़ी हुई थी और सरकार ने इसका पूरा ख्याल भी रखा है अंतरिम बजट किसानों के लिए ऐसी योजना लेकर आया जो इससे पहले नहीं आई थी इस मायने में यह बजट काफी ऐतिहासिक बन गया बजट में नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के लिए न्यूनतम इनकम का प्रावधान किया है छोटे और सीमांत किसानों को कराने के लिए सरकार ऐतिहासिक कार्यक्रम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से पीएम किसान शुरू करने जा रही है इसके तहत दो हेक्टेयर तक की खेती वाले सभी किसान परिवारों को प्रतिवर्ष छह हजार रुपए की सीधी सहायता दी जाएगी ये राशि दो दो हजार के तीन किश्तों में लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में पहुँचेगी इससे गरीब किसानों को फायदा होगा और करीब बारह करोड़ छोटे और सीमांत किसान इसके दायरे में आ जाएंगे इस कार्यक्रम को एक दिसंबर दो से लागू किया जा रहा है इकतीस मार्च 2019 तक की अवधि के लिए पहले किस्त का भुगतान इसी वर्ष किया जाएगा 2019-20 के लिए पीएम किसान में पिछहत्तर हज़ार करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव किया गया है वहीं 2018 19 के लिए किश्त के लिए बीस हज़ार करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है इस योजना से गरीब किसान परिवारों को निश्चितता मिलेगी और साथ ही मौसम के दौरान अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करने में मदद भी और किसानों के लिए आयोजित करने और सम्मानजनक जीवन जीने की राह भी इसे खुलती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान नाम की एक ऐतिहासिक योजना इस सरकार ने मंजूरी की है किसान इस योजना के तहत जो वालेबल किसान है जो छोटी जमीन रखते हैं दो हेक्टेयर तक की जिनकी जमीन है दो हेक्टेयर तक की जमीन को उन सभी को सीधा उनके इनकम में सपोर्ट डायरेक्ट इनकम सपोर्ट 6000 हजार रुपये वर्ष के हिसाब से देने का निर्णय सरकार ने किया है वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने किसानों की बेहतरी के लिए पिछले पांच साल में उठाए गए कदमों का जिक्र भी किया उन्होंने बताया कि पिछले पांच साल में सस्ते कर्ज देने के लिए ब्याज सब्सिडी की राशि दोगुनी की गई किसानों का फसली कर्ज 2018 हज़ार अट्ठारह उन्नीस में बढ़कर ग्यारह दशमलव छः आठ लाख करोड़ हो गया वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट में राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाने का भी ऐलान किया इसका मकसद संसाधनों के जो अनुवंशिक उन्नयन को स्थायी रूप से बढ़ाना है और गायों के उत्पादन एवं उनकी उत्पादकता को भी मजबूत और बढ़ाना है ये आयोग गायों के लिए कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने और कल्याणकारी स्कीमों के काम को भी देखेगा पशुपालन और मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है मछली पालन सेक्टर के विकास पर ध्यान देने के लिए सरकार ने अलग से मत्स्य पालन विभाग बनाने का निर्णय लिया है भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है जिसकी वैश्विक उत्पादन में छः दशमलव तीन फीसदी की हिस्सेदारी है ये सेक्टर प्राथमिक स्तर पर करीब एक करोड़ पैंतालीस लाख लोगों को आजीविका मुहैया कराता है प्राकृतिक आपदा से फसलों के नुकसान से होने के चलते किसान कर्ज में डूब जाता था और वो कर्ज नहीं चुका पाते थे सरकार ने इस बजट में इस हालात से बचने के लिए कई रास्ते दिए हैं वित्त मंत्री ने बताया कि वर्तमान में ऐसे किसानों के लिए फसल ऋणों का पुनः कार्यक्रम बनाया जा रहा है जिसके तहत किसानों को पुनः अनुसूचित ऋणों के पहले वर्ष के लिए ब्याज में दो फीसदी की छूट का लाभ मिलेगा सरकार ने फैसला किया कि प्राकृतिक आपदाओं से बुरी तरह से प्रभावित सभी किसानों को दो फीसदी ब्याज छूट का लाभ मिले और ये नियम वहीं लागू होगा जहां पर सहायता राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से पहुंचाई गई है इसके अलावा समय पर कर चुकाने वाले किसानों को तीन फीसदी ब्याज की छूट भी अतिरिक्त मिलेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिम बजट की तारीफ करते हुए कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार ने इस बजट में कई अहम प्रावधान रखे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी जिसे पीएम किसान योजना कहा जा रहा है उसका लाभ 12 करोड़ से ज्यादा उन किसानों को मिलेगा जिनके पास पांच एकड़ से या पांच एकड़ से कम भूमि है एक प्रकार से आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी यह सबसे बड़ी योजना है हमारी सरकार किसानों के लिए एक के बाद एक ठोस कदम उठा रही है पशुपालन गौ संवर्धन मछली पालन जैसे ग्रामीण जीवन और कृषि जीवन से जुड़े अहम क्षेत्रों का भी इस बजट में विशेष ध्यान रखा गया है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग और मछली पालन का अलग डिपार्टमेंट करोड़ों किसानों को अपनी आजीविका बढ़ाने में मदद करेगा मछुआरों की मदद करेगा हमारा ये पूरा प्रयास है कि किसान को सशक्त करके उसे वो साधन दे संसाधन दें जिससे वो अपनी आय दोगुनी कर सके सामाजिक सुरक्षा के नजरिए से इस अंतरिम बजट में केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं देश की जीडीपी का आधा हिस्सा असंगठित क्षेत्र के 42 करोड़ कामगारों से बनता है जिनमें रेहड़ी वाले रिक्शा चालक और निर्माण कार्यों में लगे हुए मजदूर कोड़ा बीनने वाले कृषि कामगार बीड़ी बनाने वाले या हथकरघा कामगार चमड़ा कामगार इस तरह के कई सभी सारे व्यवसायिक कामों में शामिल कामगार शामिल हैं बजट में ऐसे कामगारों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के नजरिए से एक वृहद पेंशन योजना शुरू करने का ऐलान किया गया है इसे प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना का नाम दिया गया है इसके तहत पंद्रह हजार रुपये तक की मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी इस योजना से दस करोड़ श्रमिक और कामगार लाभान्वित होंगे योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के कामगार एक छोटी सी राशि के मासिक अंशदान से साठ वर्ष की उम्र से तीन हजार रुपये की निश्चित मासिक पेंशन हासिल कर सकेंगे जो कामगार उनतीस की उम्र में इस पेंशन योजना से जुड़ेगा उसे सिर्फ सौ रुपये प्रति महीने का अंशदान साठ वर्ष तक देना होगा जो कामगार अट्ठारह की उम्र में जुड़ेगा उन्हें सिर्फ पचपन रुपए प्रति महीने देने होंगे सरकार हर महीने कामगार के पेंशन के खाते में इतनी ही राशि जमा करेगी अगले पाँच साल में संगठित क्षेत्र में कम से कम दस करोड़ श्रमिकों और कामगारों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ मिलेगा इससे ये योजना दुनिया की सबसे बड़ी पेंशन योजनाओं में से एक बन जाएगी इस योजना के लिए पाँच करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त धनराशि भी मुहैया होगी इस योजना को वर्तमान वर्ष से ही लागू किया जाएगा हाफ ऑफ इंडिया जी डी पी कम्स फ्रॉम द स्वेट एंड टॉयल ऑफ फोर्टी टू करोड़ वर्कर्स इन दिनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्किंग एस स्ट्रीट वेंडर्स रिक्शा पुलर्स कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रैग पिकर्स एग्रीकल्चरल workers बी डी वर्कर्स हैंडलूम लेदर न्यूमस अदर इंडस्ट्रीज घरेलू कामगार भी बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं वी मस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी कवरेज फॉर देयर ओल्ड एज देर इन एडिशन टू द हेल्थ कवरेज प्रोवाइडेड अंडर आयुष्मान भारत एंड लाइफ एंड डिसबिलिटी कवरेज प्रोवाइडेड अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आर गवर्नमेंट प्रपोजेस टू लॉन्च अन्शन योजना नेम ली प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन और फिलहाल छोड़ा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस लौट रहे हैं